आप देख रहे हैं इन24 टीवी खबर पल पल की। वाराणसी में 17 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित हो रही द्वितीय काशी चैलेंज कप ओपन नेशनल प्रतियोगिता के शुभारंभ के संदर्भ में जिला ताइक्वांडो संघ वाराणसी के तत्वाधान में बनारस स्कूल ऑफ ताइक्वांडो द्वारा 17 दिसंबर 2021 से 19 दिसंबर 2021 तक द्वितीय काशी चैलेंज कप राष्ट्रीय स्तर के ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में बेसिक शिक्षा अधिकारी राकेश सिंह के द्वारा शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जिला ताइक्वांडो संघ के अध्यक्ष आशीष प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष मनीष सिंह, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अजय विक्रम सिंह, सचिव रजत मिश्रा, आशीष राय व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। संघ के सचिव सत्यवर्धन सिंह ने बताया कि प्रतियोगिताओं में 12 राज्यों से कुल 739 खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसमें 408 पुरुष और 331 महिला खिलाड़ी हैं। मध्य प्रदेश से अतुल जाट, सोनम ठाकुर व अंकुर, छत्तीसगढ़ से राम किशन व लोकेश, कर्नाटक से अंजलि, चंडीगढ़ से गगन गोस्वामी, पश्चिम बंगाल से हैदर अली, गुजरात से अमर जमाने इत्यादि टीमों के खिलाड़ियों ने प्रथम चरण में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम चरण में अपना दबदबा बनाया। आयोजन सचिव सौरभ सिंह ने बताया कि प्रथम टीम को 75,000 रुपये और द्वितीय टीम को स्थान पर जो की है उनको 25,000 रुपये का इनामी राशि दी जाएगी। 18 तारीख को दोपहर तक पदकों की संख्या साफ होने लगेगी। प्रतियोगिताओं का आयोजन कर्नाटक से अंतर्राष्ट्रीय रेफरी एटी राजीव के निर्देशन में संपन्न कराया जाएगा। देखिए वाराणसी से रोहित सेठ और रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आशीष जी, आज किस तरह का कंपटीशन रखा गया है, क्या उद्देश्य है? ताइक्वांडो का ये नेशनल इवेंट है, ओपन नेशनल इवेंट है, जो कि सेकेंड सीजन के नाम से सीजन की काशी चैलेंज कप के नाम से ये दिया गया है, अनाउंस किया गया है। क्या कहना चाहेंगे? कहने का उद्देश्य ये है कि अभी पिछले 1.5 सालों से कोविड के जो है महामारी की वजह से फिजिकल फॉर्म में कोई इवेंट पिछले 1.5-2 सालों में काशी में नहीं हो पा सका। हमने प्रयास किया था पिछले साल करना था, लेकिन कोविड की समस्या को देखते हुए इसको जो है पोस्टपोन करना पड़ा। इस बार इस सीजन का मौका मिलता है, मैं इसके आयोजन को किया हुआ है। बेहद रूप से करीब 16 प्रदेशों के जो है राष्ट्र स्तर पर, देश स्तर पर 16 प्रदेश खिलाड़ी यहाँ एकत्रित हुए हैं। बात की जाए तो वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ से काफी प्रतिभावान युवक स्पोर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उनको सुख सुविधा उपलब्ध न होने के कारण उन्हें काफी निराशा होती है। इस ओर क्या कदम है ताइक्वांडो संघ का? लेकिन ताइक्वांडो संघ लगातार मेहनत का प्रयास कर रहा है, इसमें खिलाड़ियों को जो बेहतर प्लेटफॉर्म दिया सकता है उनके डेवलपमेंट को लेकर, उनके स्किल डेवलपमेंट को लेकर तमाम तरह के हम लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय कोचेज को भी ऑन कॉल बुलाते रहते हैं, उनको ट्रेनिंग दिलाते रहते हैं। हम लोग संस्था की तरफ से अपने जो है संघ की तरफ से जो भी बेहतर प्रयास किया सकता है हम करते रहते हैं। साथ ही साथ एक बेहतर प्लेटफॉर्म के साथ साथ ही जो है प्रदेश स्तर पर हम लोग ऑलरेडी प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हम लोग खेल मंत्री और जो है अभी अनुराग ठाकुर जी भी यहाँ उपस्थित, उनके तक हमने बात पहुँचाया है। जो खिलाड़ी हमारे यहाँ प्रदेश में है अभी तमाम ऑनलाइन इवेंट्स में भी कई बच्चों ने जो है प्रतिभाग किया, वहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर मेडल ले आए हुए हैं, सिल्वर और गोल्ड मेडल ले आए हुए हैं।
का रेफरेंस देते हुए उनसे बात करी, उन्होंने आश्वासन दिया हुआ है कि अपने मीटिंग में जब भी बनारस में जाएंगे इस खेल को प्रोत्साहन करने के लिए जो बेहतर से हो सकता होगा खेल मंत्रालय को दिया जाएगा। बता दें, मेरा नाम अजय विक्रम सिंह, मैं काशी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में स्पोर्ट्स ऑफिसर के पद पे कार्यरत हूँ। अजय जी, आज किस तरह का चैलेंज होने जा रहा है? ये जो चैलेंज होने जा रहा है काशी चैलेंज टाइकांडो एसोसिएशन के द्वारा कराया जा रहा है और काशी चैलेंज 2 के नाम से इसको हम लोगों ने प्रसारित किया है। और ये आयोजन जो है, इस आयोजन में हमारे देश के विभिन्न अदर स्टेटों की टीमें यहाँ पे उपस्थित हुई हैं। लगभग 20 से 22 स्टेट की टीमें यहाँ पे आई हुई हैं और ये आयोजन जो है हमारे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान लेवल में एक बहुत बड़ा आयोजन के नाम से जाना जाएगा। और क्या कहना चाहेंगे इस आयोजन को लेकर? इस आयोजन को लेकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारे ताइक्वांडो एसोसिएशन के भाई लोग हैं, चाहे आशीष सर है, मनीष भैया है, रजत है, सत्यवर्धन है, सौरभ है, इन लोगों का जो अथक प्रयास है इस आयोजन को कराने के लिए, मैं बार बार इन लोगों को साधुवाद देना चाहूँगा कि ऐसा कार्यक्रम बराबर काशी में काशी चैलेंज के नाम से ये चलता रहे।